जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने अपने 120 बेड वाले होटल पाटलिपुत्र निर्वाणा को सरकार को देने की घोषणा की है। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि बिहार के बड़े बड़े अस्पतालों में 200 बेड भी नहीं हैं। पीएमसीएच में सिर्फ 105 बेड, एम्स में 190 बेड, एनएमसीएच में 160 की जगह पर 176 बेड लगाए गए हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में भी 200 बेड नहीं है। पीएमसीएच में सिर्फ कोरोना के 105 बेड है, एम्स में 190 बेड, एनएमसीएच में 160 के 176 बेड लग रहे हैं। ये एक साल हो गया, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार की सरकार ने क्या सुधार किया ये सामने आके कहना चाहिए। इस एक साल में हमने कितने डॉक्टरों की बहाली। अब तो दिल्ली में भी लॉकडाउन लग चुका है और वहां से सारे प्रवासी मजदूर फिर से आने लगे हैं, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। हमने कहा कि पहले भी कहा कि जो पिछले बार प्रखंड मुख्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बना था, उन सेंटरों को पहले खोजना होगा, खोलना होगा, और उन सेंटरों को जो पिछली गलतियां हुई थी उन गलतियों को दूर करते हुए सुव्यवस्थित रूप से उन क्वारंटाइन सेंटरों को चलाना होगा, जहां लोगों को विश्वास आवे कि हम इस क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षित हैं, सरकार हमारा ध्यान रख रही है और मैं सुरक्षित हूँ। निश्चित रूप से लोग वहाँ जाएंगे और कोरोना से जो संक्रमित हैं, जो गांवों के अंदर जा रहे हैं, गांवों के अंदर जो प्रवेश किए हैं, वो निश्चित रूप से उस क्वारंटाइन सेंटर में जा करके और अपना इलाज करा करके निश्चित रूप से अपने परिवार के बीच लौटेंगे। बीते साल कोरोना काल का सबसे बड़ा घोटाला क्वारंटाइन सेंटर ही था। उस वक्त जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बने थे, इस लहर में वो सारे क्वारंटाइन सेंटर गायब हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दवाओं की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की 7-8 दिन में क्यों आ रही है, उसकी सीमा तय की जाए। आखिर न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।